हिमाचली धाम सब लोग यहाँ पे खा रहे हैं, बंधन से आजाद है और एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं हमारे भांजा भांजी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है शादी का लास्ट डे, आज है धाम, तो रिसेप्शन जिसको बोलते हैं, हिमाचली धाम है आज। तो आज जो है शादी समाप्त हो जाएगी हमारे भांजे की। तो अभी जो है यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर मंडप में बैठे हैं, तो देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन बैठ चुके हैं। रतेई बोलते हैं हमारे, रतेई के लिए यहाँ पर पूजा वगैरह होगी और भाई वगैरह भी बैठे हुए इधर। और ये है दूल्हे का घर, रतेई अलग से बाहर की जाती है। जैसे ये पेड़ है, यहाँ पर पेड़ के चारों ओर बैठे हुए हैं, यहाँ पे रतेई होती है और बाद में होगी हिमाचली धाम। और लोगों का आना जाना लगा हुआ है अभी सुबह का टाइम है, तो आज भी काफी अच्छी धूप खिली है। आप देख सकते हैं आसपास पहाड़ों का मौसम बढ़िया है। ये देखिए कैसी होती है हिमाचली रिसेप्शन, हिमाचली धाम, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है। तो गाइज यहाँ पर जो है दूल्हे और दुल्हन को जो हम है टीका लगा के उनको शगुन देंगे। सबसे पहले मामा लोगों को शगुन देना पड़ता है, तो हम लोग है मामा मामी। सबसे पहले बड़े भैया ने और बड़ी दीदी ने शगुन दिया और तिलक लगाया, और इसके बाद जो है मैं दूल्हे को अपने भांजे को तिलक लगा के और सब इनके पैर छूने पड़ते हैं इस टाइम पे हमें, तो उनको तिलक लगा के टीका लगा के हम जो है अपना जो शगुन है वो इनको देंगे। बस यही है कुछ हमारी हिमाचली शादी का रीति रिवाज। सबसे पहले मामे लोगों को ही ये सब शगुन वगैरह डालना पड़ता है, उसके बाद बाकी गांव वाले जो रिश्तेदार हैं उसके बाद ही वो लोग भी शगुन देते हैं। तो देखिए मेरी आंटियां सब लोग यहाँ पे, हेलो, ये भी शादी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर है बेदी, बेदी यहाँ पर काम है अभी पूजा पाठ का, उसके बाद हम दिखाएंगे यहाँ पर जो है मामा। अभी मामा जो दूल्हे और दुल्हन को शगुन दे रहे हैं, हमने दे दिया है अभी, और अभी दे रहे हैं बीच वाले भैया। तो बस यहाँ पर बन रहा है ऊपर खाना, यहाँ पर खाना बन रहा है। और ये मेरी जिठानी, ये मेरी भांजी है, ये देखिए मेरी भांजी। और अच्छा मौसम है आज का, और ये गांव में कुछ इस तरह के घर होते हैं, थोड़ी ही देर में जो है बहुत सारे लोग आते रहेंगे और नाच गाना होगा। बीच वाली मामी, तो ये लोग भी यहाँ पे शादी इंजॉय कर रहे हैं। और बारी बारी से जो बुआ लोगों का जो शगुन चढ़ रहा है, अभी मामा लोगों ने दे दिया है, अब बुआ और मासी लोगों का शगुन चढ़ेगा। तो ये है मेरी छोटी ननद की बेटी, ये भी इनको शगुन दे रही है, दूल्हे की दीदियाँ और जीजा जी दूल्हे के, ये अभी इनको शगुन दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये है दूल्हे की मम्मी और बुआ, अब क्या कर रहे हैं? फोटो शूट हो रहा है, उसके बाद सेरा चेंज होगा। अच्छा, सेरा साइड कलगिया निकालेंगे ना? हाँ, कलगिया निकालेंगे और साथ में कौन निकालते हैं सेरे की कलगिया? सेरे कलगिया निकालेंगे पंजी और हाथ देते भाभियों को, है ना? भाभी को देते हैं, देवरा मतलब सालियों को देते हैं, हमारे ऐसे देते हैं। तो ये वाली रस्म है यहाँ पे अभी, फिर उसके बाद जो है शादी समाप्त हो गई है और उसके बाद होगी धाम। तो अब जो है ये रस्म है, इसमें जो बंधन होते हैं दूल्हे और दुल्हन को बंधन पहनाए होते हैं, उनको अभी खोलेंगे। तो ये रस्म है जो बंधन पहले दिन उसको तोड़ना पड़ता है, बंधन को, बंधन से आजाद है और एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं हमारे भांजा भांजी।
यहाँ पर जो है दूल्हे की बुआ दूल्हे का सेहरा खोल रहे हैं, उतार रहे हैं, क्योंकि शादी आज संपन्न हो चुकी है। उसके बाद में दूल्हे का सेहरा बुआ के द्वारा ही खोला जाता है, क्योंकि बुआ ही सेहरे को लाते हैं और उसको खुलवाते भी हैं। दूल्हे का सेहरा खोल दिया है। अब ये जो कलगिया है इनको भाभियां और दीदियां बांट आपस में लगाएगी। तो अब शादी समारोह जो खत्म हो गया है, ये दोनों बच्चे रिसेप्शन की लास्ट धाम है, आज शादी खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नीचे बैठ के धाम खाई जाती है, हिमाचली धाम, सब लोग यहाँ पे खा रहे हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं शादी के घर से वापस, शादी हो गई है अच्छे से खत्म। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अब सीधे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे, और मेरे व्लॉग को प्यार देते रहें, लाइक शेयर करते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।